एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.2। ये नई एनसीईआरटी में है। आप पुरानी एनसीईआरटी देख रहे होंगे तो आपका 1.3 में होगा ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है, तीन क्वेश्चन है आपके पास है, 1, 2 और 3 क्वेश्चन है। इसमें तीसरा में 3 क्वेश्चन है ना। ये जितने भी क्वेश्चन है उसको आज हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको इसको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। वैसे विद्यार्थी जिसको बहुत दिक्कत भी होती है मैथ में, तो मैं इसे बहुत ही आसान से बेसिक से बताऊंगा ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है, सीध कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है सीध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि रूट फाइव अपरिमेय संख्या, रूट फाइव तो अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन आपको सिद्ध करके बतानी है कि ये जो रूट फाइव है अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है। तो जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा तो आपको इसके जस्ट अपोजिट मान लेना है कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मैं बीच बीच में बेसिक भी बताते चलूँगा, तो अब हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हल लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे ही हमने माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होता क्या है, जो p बटे q के रूप का होता है और q बराबर 0 नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लिया हमने तो लिखना पड़ेगा रूट फाइव जो है ना वो p बटे q के बराबर है। क्यों? क्योंकि p बटे q जो है ना, तो q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। p और जो पूर्णांक है, पूर्णांक भी होना चाहिए, क्योंकि जो पूर्णांक पी और क्यू पूर्णांक नहीं होंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। जबकि हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या की तरह हमें लिखना होगा, तथा पी और क्यू सअभाज्य है, सअभाज्य संख्या है। क्यों क्या है? स अभाज्य संख्याएं, स अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये हमने मान रखा, ठीक है। तो रूट फाइव बराबर पी बटे क्यू अगर है तो वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का शर्त ये है कि क्यू बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, और पी और क्यू जो होगा वो पूर्णांक होनी चाहिए, और P और Q क्या होंगे? स अभाज्य संख्या होंगी। आप सब कन्फ्यूज में आ गए होंगे कि ये स अभाज्य संख्या आखिर है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। स अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं है ना जिसका गुणनखंड सिर्फ एक हो, वैसी संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिसकी गुणनखंड सिर्फ कितना होते हो, एक होते हो, मैच करते हो, यानी कि इसकी हमारी जो दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड होगा वो मैच करेगा, तो सिर्फ एक करनी चाहिए, उसके अलावा गुणनखंड मैच नहीं करनी चाहिए। यानी एस सी एफ जो होंगे, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, एस सी एफ 1 आना चाहिए, तो वो सह अभाज्य संख्या होंगे। जैसे मान लीजिए 2 है और 3 है, इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 होगा और 1 होगा, ठीक है। 3 को भी करेंगे तो 3 होगा और 1 होगा, तो मैच 1 किया, यानी कि एस सी एफ हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये स अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये p है और ये q है, तो दोनों क्या होने चाहिए, स अभाज्य होने चाहिए। अगर मान लेते हैं 2 और 4, ठीक है, ये पूर्णांक तो है, बिल्कुल पूर्णांक है, और q बराबर 0 भी नहीं है, लेकिन स अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए इसको जब गुणनखंड करेंगे हम तो 2 और 1 भी आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, है ना, और खुद 4 से भी कटेगा,
है कि नहीं। तब जब यहाँ हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दो भी मैच कर रहा, एक भी कर रहा है, यानी कि एचसीएफ जब हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो गुने एक बराबर दो हो जाएगा। जबकि स अभाज्य का मतलब होता है एचसीएफ आना चाहिए तो सिर्फ कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि स अभाज्य संख्याएँ क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते चलिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि इसी पेज के अंदर मुझे इसको खत्म करनी है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, अब इसे सही से मैं नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक है, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या करेंगे आप, मेरे पास जो संख्या है वो रूट फाइव है और पी बटे क्यू है। तो दोनों तरफ जब हमको वर्ग करना है तो वर्ग कर देते हैं इस तरह से, इसमें भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब जब हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो इसे सॉल्व भी करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि अगर किसी भी पावर में रूट रहता है, और पावर रहता है तो रूट कट जाता है, तो बचता है सिर्फ फाइव। फाइव बचा, यहाँ क्या होगा, ये बाहर खड़ा है दोनों, ये देखिए अंदर दो ठो है, घर के अंदर दो लोग हैं और वेट कर रहा है ये बाहर से, तो दोनों के लिए वेट कर रहा है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला ये दोनों तरफ दौड़ा, यानी कि एक पी में भी चला गया और क्यू में भी चला गया। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको त्रिक गुना किया जाता है, तो त्रिक गुना नहीं करके हम एक काम कर सकते हैं, इसके जगह को ही बदल देते हैं, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर के बट्टे में पाँच। ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इस तरह से हुआ कि ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास था, हमारे पास क्या था, फाइव के बराबर में पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर है, हमने कहा ना त्रिक गुना करनी है, त्रिक गुना का मतलब होता है इसके साथ ये गुना होगा, इसके साथ ये होगा। तो जब फाइव को क्यू स्क्वायर करेंगे तो फाइव क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर गुना करें तो पी स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर तो पहले से ही है, ये गुना में इतना आएगा तो भागम हो जाएगा, ये तो था हमारे पास। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए यह हो जाएगा, हम इसे मान लेंगे समीकरण एक, मान लेते हैं इसे समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, अब हमें यहां कुछ लिखनी है, क्या लिखनी है, समीकरण एक से स्पष्ट होता है, आपको भी वही चीज लिखना है ना, समीकरण एक से स्पष्ट होता है कि ये जो पी स्क्वायर है, यानी कि पी स्क्वायर पांच से विभाजित है, पी स्क्वायर पांच से विभाजित है, तो अगर ये पी स्क्वायर पांच से विभाजित है तो पी भी पांच से विभाजित होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, बात समझिए, अगर कोई संख्या पांच से विभाजित हो रहा है, अगर स्क्वायर वाला पांच से विभाजित, मीन्स ये होगा कि हम मान लेते हैं दस जो है ना स्क्वायर में है और ये पांच से विभाजित हो रहा है, यानी कि 10 दहाई का 100 होता है, 100 अगर 5 से विभाजित हो जाता है ना, तो हम अगर स्क्वायर को हटा दें, सिर्फ 10 रहने दें और लिखे 5, तो ये भी तो 5 से विभाजित हो रहा है ना, यानी कि 5 अगर स्क्वायर में रहे और नीचे 5 रहे तो ये 5 5 से विभाजित, स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो समझिए 25 होता है स्क्वायर, नीचे 5 5 से विभाजित हो गया, तो अगर हम इसे स्क्वायर हटा दें तो बचा क्या 5, नीचे रहेगा 5,
ये कट गया, ये भी कट गया, यानी कि जो स्क्वायर अगर नीचे वाला से विभाजित हो रहा है तो मीन्स ये हुआ कि अगर आप स्क्वायर हटा भी दें तो वो भी आपका उस संख्या से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई पूर्णांक मान लेंगे और उसे हम समीकरण एक में रख देंगे। ठीक है, इससे मेरा जिस तरह से क्यू स्क्वायर बराबर में आया तो उसी तरह मेरा उस हमें ये पी स्क्वायर बटे पाँच से विभाजित हुआ, तो हमें क्यू को भी किसी संख्या से विभाजित करनी है तो हमें कोशिश करनी है कि पाँच से ही किया जाए। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना, या फिर आप डायरेक्ट लिखें, अपना नहीं लिखना है, सिर्फ लिखिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब करेंगे, नीचे पाँच है तो हम ऐसी संख्या यहाँ पे मानेंगे जो कि पाँच से विभाजित हो जाता है, तो पाँच से पाँच तो हम पाँच मान लेंगे ताकि वो पाँच से विभाजित हो जाएगा। तो अब p बराबर फाइव, ठीक है, और फाइव a के बाद हम यहाँ पे c लिख देते हैं। ठीक है, आप इसके जगह हम a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, तो p बराबर फाइव c समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, पाँच है तो आप पाँच ही रखेंगे और पाँच के बाद आप कोई भी एक अक्षर एक लेटर्स लिखेंगे ए से लेकर जेड तक में, आप कुछ लिख सकते हैं, मैंने सी लिखा है, आप जेड भी लिख सकते हैं, आप एक्स भी लिख सकते हैं, आप एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे फाइव। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, क्यू स्क्वायर तो सेम रह जाएगा, पी स्क्वायर यानी कि पी की जगह हमने फाइव सी माना है तो पी की जगह फाइव सी स्क्वायर है तो स्क्वायर नीचे कितना बचा है पाँच, समझ रहे होंगे आप। अब हमें क्या करनी है, इसको सॉल्व कर लेना है, क्यू स्क्वायर बराबर पाँच पचे पच्चीस अस्सी है, अब यहाँ बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो स्क्वायर है ना वो दोनों के लिए है, ये स्क्वायर पाँच के लिए भी और सी के लिए भी। ठीक है, तो जब हम पाँच से पाँच को गुना करेंगे तो पच्चीस हो जाएगा, तो सी को सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हमारा क्या बचा पाँच बच गया। अब देखिए कट जाएगा, ठीक है, पाँच एका पाँच, पाँच पचे पच्चीस, यानी कि क्यू स्क्वायर के बराबर में हमारे पास बच गया फाइव सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, अब जिस तरह से यहाँ पर हमने किया उसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो पाँच को इधर ले आएंगे तो क्यू स्क्वायर बटे पाँच, क्योंकि गुना में जाएगा तो भागा हम हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर। अब चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे पाँच। ओके, अब इसे हम लोग मानेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा इसे हम मान लेते हैं समीकरण दो, इसे मान लेंगे हम समीकरण दो। चलिए अब आगे हम लोग समझेंगे, आगे कैसे समझना है, तो आगे आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमने मान रखा है, क्या माना कि रूट फाइव जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने जब देखा कि p और q पूर्णांक तो है, लेकिन यहाँ पे जो p है वो पाँच से विभाजित हो रहा है और यहाँ पे q भी पाँच से विभाजित हो रहा है, जबकि हमें विभाजन चाहिए सिर्फ वन से, क्योंकि सह अभाज्य संख्या है ना, पी और क्यू क्या है स अभाज्य संख्या है, यानी कि इसकी गुणनखंड सिर्फ कॉमन जो होंगे वो वन होनी चाहिए, जबकि हमारे पास प्राप्त कितने हो रहे हैं फाइव प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से स्पष्ट होता है, से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर आप ना लिख के सिर्फ पी लिखें, क्यों पी लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप जिस तरह से यहाँ पे हमने लिखा है ना, ये जो हमने लाइन लिखा है ये लाइन आपको यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, ये समीकरण के बाद यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, समीकरण दो से है ना, पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे, समीकरण दो से स्पष्ट होता है, समीकरण दो से स्पष्ट है, से स्पष्ट होता
अस्पष्ट है, आप सही से लिखेंगे ना, समीकरण दो से अस्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर पांच से विभाजित है। ये जो क्यू स्क्वायर है पांच से विभाजित है, तो क्यू भी पांच से विभाजित होगा, विभाजित होगा। सेम लाइन है, मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी से, है ना। सेम लाइन इस तरह से है कि समझिए बात को, अगर ये जो यहाँ पे जो लाइन हमने लिखा, सेम वही लाइन यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। तो अब समीकरण एक और दो को हम जब देखेंगे ना, तो हमें स्पष्ट होता है समीकरण एक और दो से कि पी जो भी है ना, पी तथा क्यू, है ना, पी तथा क्यू, पी भी और क्यू भी। पी क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो पी भी तो है ना, यहाँ पे लिखे हमने, देखो पी भी पाँच से विभाजित है और क्यू भी कितना से विभाजित है, पाँच से विभाजित है। तो पी तथा क्यू है ना दोनों पांच से विभाजित है, ठीक है। पी और क्यू दोनों क्या है, पांच से विभाजित है। हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं हम SCF बराबर वन नहीं प्राप्त हुए, नहीं प्राप्त हुए। हमने क्या माना था यहाँ पे, तो हमने माना था कि ये जो P और Q है ना, वो सब अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इसकी SCF जो है वह वन आनी चाहिए, लेकिन SCF बराबर वन नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि ये है ही नहीं वन, है ना, SCF बराबर वन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम नहीं प्राप्त हुए लिख दिए, ठीक है। SCF बराबर वन नहीं प्राप्त हुए, है ना, SCF बराबर वन प्राप्त हुए, यानी कि SCF बराबर वन नहीं प्राप्त हुए, तो मैं यहाँ पे बराबर नहीं ही लिख देता हूँ, ठीक है। SCF हमारा वन नहीं आया, जब SCF नहीं आया तो जो हमने माना था, अतः हमारी कल्पना जो थी, लेकिन हमने जो माना था, है ना, कल्पना कोई नहीं है, कल्पना कोई भी नहीं है, कल्पना हमने किया था, यानी कि हमने मान लिया था, यानी कि माना बोले यही तो कल्पना की है ना, तो हमारी कल्पना गलत है, डायरेक्ट लिख दीजिए। अतः हमारी कल्पना गलत है कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये ना हमारी कल्पना थी। हमारी मानना क्या था, हमारा मानना यही था कि रूट फाइव जो है परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, है ना। अतः रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, बस समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था, आपने समझ लिया, ठीक है। जैसे ही हमने वन क्वेश्चन समझ लिया पहला, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम इजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर दो है। क्वेश्चन नंबर दो में क्या है, तो आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर में दो में जब आप देखेंगे, तो आपसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने बताया कि जब भी आपसे अपरिमेय के बारे में बोले, तो हमें मान लेना है जस्ट उसका ऑपोजिट परिमेय संख्या, ठीक है। तो हाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, आप माना की जगह में आप लिख सकते हैं कल्पना किया, ठीक है, अच्छा लगेगा। आप अगर कल्पना किया लिखेंगे तो कल्पना किया कि 3 प्लस 2 रूट 5, है ना, 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। ठीक है, हमने मान लिया कि 3 + 2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने माना कि अगर परिमेय संख्या, तो हमें लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी कि 3 + 2√5 बराबर p/q, ये लिखना ही पड़ता है ना। जहाँ लिख सकते हैं आप q = 0, p और q पूर्णांक है, आप पूरा लाइन भी लिख सकते हैं, पूर्णांक है। आप लिख सकते हैं PQ समभाजी है, यानी कि SCF जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको ना हम लोग ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है, कोई वर्ग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको बनाएंगे, बस छोटा सा है, तुरंत ही बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम इसे 2√5 किधर रहने देंगे, उधर पी बट्टे में क्यू है, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, किससे ले जा रहा हूँ पता है आपको, ये जो 3 है ना ये यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो रहा है -3 हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब जगह बदलता है, बराबर किधर रहता है, अब बराबर से जस्ट उस साइड ले चलते हैं तो हम लोग क्या होता है प्लस वाला माइनस हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ रहने देंगे √5 को, ठीक है, बराबर लिखेंगे पी बट्टे में क्यू -3। अब ये जो 2 है ना ये भी गुणा में उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो बट्टा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि एक तरफ तो परिमेय संख्या है, एक तरफ तो अपरिमेय, एक तरफ तो अपरिमेय, एक तरफ तो परिमेय संख्या। इधर जो है ये परिमेय संख्या, इधर कोई रूट रूट नहीं है, यहाँ पूर्णांक है पूरी तरह से, यहाँ जितने भी कुछ हैं सबको पूरा कर रहा है, यानी कि इधर परिमेय संख्या, यानी कि लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। आप बताइए एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, तो लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, बस। अतः है ना, अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, हमारी कल्पना हमारी सोच है ना, हमने जो माना, हमारी कल्पना जो है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि एक परिमेय संख्या है ना, इसलिए यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपके आपका 3 क्वेश्चन है ना, तीसरा में 3 क्वेश्चन से, तो तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपके पास है, इसको सबसे पहले पहला को हम लोग हल करते हैं, तो हल लिखेंगे। ठीक है, वही करना है, माना कि नहीं लिखिए, आप कल्पना किया कि, है ना, आसान लगेगा, अच्छा लगता है लिखने में, कल्पना है ना, कल्पना किया कि, कल्पना किया कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, तो परिमेय
संख्या है। जैसे हमने परिमेय संख्या मान लिया तो हमें लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, एक बटे रूट दो बराबर p बटे क्यू। अब वही चीज लिखना जो आपने लिखा था, q इज इक्वल टू नॉट जीरो, है ना। p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, क्यों क्या है, पूर्णांक है। और क्या लिख सकते हैं आप, एस सी एफ बराबर वन है, ठीक है, यानी सहभाजी। अब सेम टू सेम उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करनी है, शॉर्ट में बनानी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को पलट देंगे, पलट देंगे, पलट देंगे, अंश को हर, हर को अंश, अंश को हर, हर को अंश, ठीक है। तो पलटने पर, है ना, संख्या को पलटने पर, अब लिख दीजिए संख्या को पलटने, पलटने पर पलटते हैं, रूट टू ऊपर जाएगा तो रूट टू ही बचेगा, नीचे वन को लिखा नहीं जाता है, ऊपर चला जाएगा क्यू, नीचे आ जाएगा पी, कोई दिक्कत नहीं, क्यू भी नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस क्यू जो नीचे है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर, यानी इसको भी पलट सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने देख रहा है, क्या देखा हमने, कि इधर जो है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बराबर परिमेय संख्या, क्या ऐसा संभव है, तो संभव नहीं, सेम क्वेश्चन है, संभव नहीं है। अतः अब लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना, हमारी कल्पना, अभी तक हमने जितनी भी कल्पना की सब तो गलत ही साबित हो रहे हैं, अतः हमारी कल्पना गलत, हमारी कल्पना ही गलत है, हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है, तो इससे सिद्ध होता है, होता है कि वन बाय रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने ये है, वन हटा दिया हम यहाँ से, तो आपके पास वन हटा दिए है ना, तो क्या बच गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर दो बच गया, तो हमें तो क्वेश्चन नंबर दो ही तो सॉल्व करनी है, ठीक है। वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने वन किया, यहाँ भी लिखेंगे हल्के, है ना, क्या लिखेंगे, माना नहीं लिखना है यार, हम लोग को लिखना है कल्पना किया, ठीक है, अच्छा लगता नहीं है लिखने में, कल्पना किया कि, अब कितने पुराने माना माना लिखते चलेंगे हम लोग, है ना, कभी तो कुछ किया जाए, कल्पना किया कि सेवन रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने माना, हमने कल्पना किया, ओके। तो लिखना पड़ेगा कि सेवन रूट फाइव बराबर पी बटे क्यू, वही बात आप लिखेंगे जो पहले हमने बताया था लिखने के लिए, आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करनी है कि इसे सॉल्व करेंगे, तो रूट फाइव है तो रूट फाइव इधर रहेगा, पी बटे क्यू जैसा था पहले से वैसा ही रहेगा, ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में चले जाएगा, बस बन गया, हमको लिखना तो वही है जो हम लिखते आए हैं, ये है अपरिमेय संख्या, हमने पहले ही सिद्ध किया था, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, कैसे संभव हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो लिखेंगे संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है,
अतः हमारी कल्पना, हमारी कल्पना गलत है। तो इससे सिद्ध होता है, तो इससे सिद्ध होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि 7 root 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सेम आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याएं जो है अपरिमेय है या नहीं है। तो 1 भी बताया, 2 भी बताया, अब बताएंगे आपको हम 3। तो 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हल लिखेंगे हम लोग। बताइए क्या कल्पना करेंगे? तो कल्पना किया कि कल्पना एक्चुअली ऐसे लिखा है, क धल प न, कल्पना किया कि 6 root 2 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही परिमेय संख्या, तो क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा p बराबर, जो संख्या उसके बराबर में p बटे q। तो 6 root 2 बराबर p बटे में q। आपको बताया है क्या क्या लिखना है, q बराबर नोड 0, बाद बाकी आपको सब पता है। ओके, फिर आप इस तरह से बंद कर देंगे, है ना। अब हमें क्या करनी है, रूट टू तो सेम ही रह जाएगा, p बट्टा में q, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। आपने देखा, देखा आपने, क्या देखा आपने? देखा यह है अपरिमेय संख्या, यह है अपरिमेय संख्या। यहाँ तक तो अपरिमेय संख्या, लेकिन इधर जो है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। संभव हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है, किससे? हमारी कल्पना से, है ना। इससे सिद्ध होता है से सिद्ध होता है कि 6 root 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ही तो है, ठीक है। खत्म आपका प्रश्नावली 1.2 खत्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके जितने भी उदाहरण हैं, वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 जो मैथ में आपका है, एक्सरसाइज नंबर 1 जो है, उसमें टोटल 7 एक्सरसाइजेस हैं, यानी कि टोटल 7 उदाहरण हैं, एग्जांपल्स टोटल 7 हैं। तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा, तो उसमें मैं 7 एग्जांपल्स जो हैं, 7 एग्जांपल्स जो हैं, उसे मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे चैनल को क्या करें, और लाइक भी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके जैसा ही तैयारी कर सके अच्छे से।